और अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद के क्रॉसिंग थाना क्षेत्र की एक लिफ्ट खराब हो गई, जिसमें आधे घंटे तक छोटी बच्चियां फंसी रही। मामला एसोटेक नेस्ट सोसाइटी का है और यहां पर बच्चों के लिफ्ट में फंसने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लिफ्ट में फंसी बच्चियों की उम्र 8 से 10 साल के बीच बताई जा रही है। घटना के बाद से बच्चियां बुरी तरह से घबराई हुई हैं। मामले की जानकारी परिवार ने पुलिस को दे दी है और सोसाइटी एओए के पदाधिकारियों और मेंटेनेंस कंपनी पर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है कि आखिर ये आधे घंटे तक लिफ्ट बंद कैसे रही। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको ये 3 बच्चियां नजर आ रही होंगी। इनकी उम्र 8 से 10 साल के बीच है और देखिए, जैसे ही लिफ्ट रुक जाती है और तकरीबन आधे घंटे तक ये लिफ्ट चलती नहीं, तो ये बच्चियां कितनी घबरा जाती हैं। इन्हें अचानक से घबराहट होने लगती है और क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लगता है। उन्हें महसूस होने लगता है कि वो कहीं बंद गई हैं छोटी सी जगह पर, और उनकी उम्र भी इतनी कम है कि वो इन चीज़ों को समझ पाएं कि लिफ्ट अगर रुक जाए तो क्या करना है। तो ऐसे में देखिए, कोई बड़ा ना हो तो किस तरह से बच्चियां घबरा जाती हैं। ये तीनों ही एक दूसरे का सहारा बन रही थी उस वक्त, एक बच्ची दूसरे को सहारा दे रही है, वहीं जो एक बच्ची है वो काफ़ी रोती हुई भी नज़र आ रही है, घबराती हुई नज़र आ रही है, और वो अचानक से नीचे बैठ जाती है, दीवार पर हाथ मारने लगती है। कितनी घबराहट उस बच्ची ने महसूस की है और तीनों ही बच्चियां कितनी घबराई हुई हैं, कितना मेंटल स्ट्रेस उन्हें पड़ा होगा, किस तरह का मानसिक तनाव उन्होंने महसूस किया होगा इतने कम उम्र में, ये आप समझ सकते हैं। और इसके बाद ये कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से कि आखिर पता लगाया जाए कि कैसे ये लिफ्ट बंद हुई। सोसाइटी एओए के पदाधिकारियों और मेंटेनेंस कंपनी पर ये आरोप है कि उनकी अनदेखी की वजह से और उनकी लापरवाही की वजह से ये वारदात हुई। और गाजियाबाद की इसी खबर पर मेरे सहयोगी पीयूष गौड़ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, ये घटना सामने है जिसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, काफी हैरान करने वाला है। तीनों बच्चियों की जो शक्ल है वो पूरी काली पड़ गई बिल्कुल, और उनके पसीने छूट गए, बच्चियां रो रही हैं, दीवार पर हाथ मार रही है। इस तरह से 8 से 10 साल की छोटी बच्चियों को घबराते हुए देखना, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो क्या इस पर आगे कोई कार्रवाई होगी? मेंटेनेंस कंपनी क्या कह रही है? एओए जो है उसके पदाधिकारी क्या कह रहे हैं? सोसाइटी के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। यही वो टावर है, एसोटेक नेक्स्ट सोसाइटी है, यही वो टावर है, डी टावर, जिसमें बच्चियाँ सामने आप देख सकते हैं, सामने वो लिफ्ट भी दिखाई दे रही होगी, यही वो लिफ्ट है जिसमें सवार होकर बच्ची अपने घर के लिए जा रही थी और उसके बाद लिफ्ट तकनीकी खराबी के कारण रुकती है और लगभग आधा घंटा तीनों बच्चियों को लिफ्ट में बंद होकर बिताना पड़ा। इस समय उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, क्या बीती होगी? वो चीखी थी, चिल्लाई थी, रोई थी, एक दूसरे को हिम्मत भी बधाई थी, ढाढ़स भी दिया था, सब कुछ, इतना सब कुछ एक महज आधा घंटे के बीच में छोटी बच्चियों के साथ में गुजर गया, वो शायद जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। इसके बाद जो बच्चियों के पिता थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की है, मेंटेनेंस सोसाइटी और जो लिफ्ट की कंपनी है उसके प्रबंधन के खिलाफ, क्योंकि एक काफ़ी, ये सोसाइटी हाई राइज सोसाइटी है, यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने यहाँ के रहने वाले लोग काफ़ी मोटा पैसा सोसाइटी के एओ के देते हैं, बावजूद इसके सुविधाओं के नाम पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तकनीकी खराबियों के कारण इस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है। और असुविधा ही नहीं, अगर कोई बुजुर्ग, कोई फेफड़े से पीड़ित मरीज या कोई बीमारी से पीड़ित मरीज होता तो उसका क्या हाल हो सकता था, आप ये समझ सकते हैं। छोटी बच्चियां थी, एक दूसरे को हिम्मत देती हुई दिखाई दी, आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे साथ इस समय बच्चियों के पिता हैं, जो बच्चियां उस समय फंसी हुई थी उनके पिता हैं हमारे साथ में, हम उनसे बातचीत देखिए। अभी फिर से ये बता रहे हैं कि लिफ्ट दोबारा से खराब हो गई है, दोबारा से 6th फ्लोर पे जाके फंस गई है, 2nd फ्लोर पे फंसी हुई है अभी भी। देखिए अभी भी, मतलब आप तकनीकी खराबी का आलम या मेंटेनेंस व्यवस्था का आलम समझ सकते हैं, जिस समय हम यहाँ खड़े होकर पूरा घटनाक्रम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस समय भी तकनीकी खराबी के कारण लिफ्ट 2nd फ्लोर पर फंस चुकी है। मैं पूरा वाक्य जानना चाहूँगा सर, क्या कुछ हुआ था बच्चियों के साथ में? माँ है ये, उस समय वहाँ पे थी, बताएंगे आप। अच्छा, आपको क्या बताया बच्चियों ने, कितना
आधा घंटे का वक्त कैसा बीता बच्चियों के साथ में? बच्चियाँ ऑब्वियसली घबराई हुई थी, कोई भी लिफ्ट में घबरा जाएगा, बड़े आदमी घबरा जाते हैं, तो छोटी छोटी तीन बच्चियाँ थी। एक्चुअली यहाँ पे लिफ्ट का ना परमानेंट इशू है, मैं बच्ची को कभी भी भेजती नहीं हूँ अकेले। उस दिन उसकी फ्रेंड आ गई, उसी के बराबर की थी 8 साल की, तो मैंने कहा ठीक है तुम लोग चले जाओ, मैं 10 मिनट में नीचे आ रही हूँ। तो वो जब नीचे आई, उसके थोड़ी देर बाद मैं नीचे आई तो मुझे बाहर नहीं मिली, तो मैं अंदर जाने लगी वापस। मैंने कहा मैं देखती हूँ बच्चे कहाँ हैं, तो तब बच्चे सारे लिफ्ट में फंसे हुए थे। उसके बाद करीब 15 मिनट तो मैं बाहर रही हूँ, फिर जब मैं 11वें फ्लोर पे पहुंची, यानी आपको पता भी तब चला जब आपने खोजबीन शुरू की बच्चे कहाँ रह गए। हाँ, तब मुझे पता चला कि बच्चे लिफ्ट में फंसे हुए हैं। तो बहुत ही बुरी हालत है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता, जब तक कोई बड़ी समस्या नहीं आ जाती, तब तक ये जो परिस्थितियां हैं, जो ये चीज़ें हैं, इनकी गंभीरता को समझा नहीं जाता। चीज़ों को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इससे पहले काफ़ी लोग कई बार लिफ्ट में फंस चुके हैं। अभी पीछे एक भाई साहब फंसे थे पिछली बार, उनका भी मैसेज भी है, अभी 25 मिनट वो लिफ्ट में फंसे रहे थे। एक आंटी पीछे फंस गई थी, वो तो अभी अगस्त के महीने में जब फंसी थी, तो जब लिफ्ट से बाहर निकली तो शी ऑलमोस्ट फेंटेड, क्योंकि इतना वैसा मौसम होता है उस टाइम पे, घबराहट के मारे काफी। बच्चों की क्या स्थिति थी जब वो घर से बाहर निकली तो लिफ्ट में रोती हुई दिखाई दे रही, घर पहुंची तो किस स्थिति में थी? नहीं, मैं नीचे आ गई थी जब वो घर से लिफ्ट से बाहर निकली, तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जब मैंने उसको पकड़ा तो उसको नॉर्मल होने में करीब 10 मिनट लग गए, उसका हार्ट इतना जोर से पंप कर रहा था। मैं तो मतलब उसको पकड़ के मैं घबरा गई कि कहीं बच्चे को, मतलब ऐसी स्थिति थी, आप ये सोचिए ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है, बच्चे को पैनिक अटैक हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है ऐसी स्थिति में, मतलब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्या 25 मिनट का टाइम कम टाइम है लिफ्ट में फंसना किसी छोटे से बच्चे के लिए, अब फॉर दैट मैटर किसी के लिए भी? अभी बच्ची क्या सब से उभर पाई है? आप पिता हैं, आपने बच्ची से बात की होगी। मैं तो रिसेंट का हिस्सा बताया, तो अभी ये आई है और सेकंड फ्लोर पे ये फंसी रही, ये खुद अभी फंसी रही सेकंड फ्लोर पे, और सेम लिफ्ट में, जिस लिफ्ट के लिए, जिन लिफ्टों के लिए हम 100 रुपया खर्च कर चुके हैं, उसके बावजूद मेरी लिफ्ट नहीं चल पा रही है। आए दिन कोई ना कोई फंस रहा है, हम किसी की जान के जाने का इंतजार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रबंधन से बात करते हैं तो वो क्या कहता है? आप लोग सोसाइटी के लोग हैं, एओए यहाँ पे है, आप ही लोग चुन के एओए बनाते हैं, तो ऐसे में आपको सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा है या प्रबंधन ठीक से क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रबंधन से कहीं ना कहीं वो बात नहीं करते जनता से। एक साल उन्हें चुनाव लड़े, प्रेसिडेंट बने चित्रा चतुर्वेदी जी को हो गया है, अभय झा जी को 1 साल सचिव बने हो गया है, 1 साल का समय है, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं दिखा सकते कि हम किस रेजिडेंट से किस दिन मिले। वो 12 महीने में अभी तक एक रेजिडेंट से फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर पाए यहाँ की समस्याओं को लेके, सिर्फ और सिर्फ पैसों का लेन देन घपला चल रहा है। आपने उनसे जानकारी मांगी लिफ्ट का मेंटेनेंस कैसे किया जा रहा है, क्या किस तरीके से? पिछले 48 घंटे से लिफ्ट का AMC का एग्रीमेंट मांग रहा हूँ, वीडियो मांग रहा हूँ, मना कर दिया गया, पुलिस के पास गए, जाओ पुलिस के थ्रू ले लो, मुझे ये बोला गया हम नहीं देंगे तुम्हें कुछ भी। देखिए साफ तौर पर इन्होंने AOA समेत पुलिस को भी कंप्लेंट की है, और बच्चियों के साथ जो आधा घंटे का एक वक्त बीता है वो शायद उनके ऊपर जिंदगी भर छाप छोड़ के जाएगा, और ये दुस्वप्न की तरह बच्चियों को याद रहेगा। एक आधे घंटे का वक्त जब बच्चियां लिफ्ट में बैठी हुई रोती हुई चिल्लाती हुई दरवाजे को पीटती हुई जोर लगा के खोलती हुई, नन्ने नन्ने हाथों से बटन और जो फोन लगा हुआ था वहां पर, इमरजेंसी फोन लगा हुआ था, उन तक पहुंचने की कोशिश रहे हैं कि 28 लाख रुपया खर्च कर देते हैं वो लोग इस लिफ्ट के लिए, और उसके बावजूद एक सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती। आप मुझे ये बताइए कि क्या वहां जो और लोग मौजूद हैं उन्हें भी ये समस्या हुई है, और अगर ये समस्या इतनी ही लंबे समय से है, इतनी ही गंभीर है, और तस्वीरें इतनी ही हैरान करने वाली हैं, तो आगे की कार्रवाई क्या, अब क्या करेंगे ये लोग? क्या प्रबंधन के भरोसे बैठे रहेंगे जो इन्हें कहते हैं कि जाओ पुलिस से ले लो वीडियो, या खुद कोई कार्रवाई आगे करेंगे, जाएंगे पुलिस के पास, खुद सख्ती से क्या कदम उठाने वाले हैं ये पूछिए लोगों से? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस निश्चित तौर पर पुलिस में तो शिकायत करवाइए। अब पुलिस में आपने शिकायत तो करवा दी, अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, किस तरीके से आप अपनी जो आप बीती है उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि किसी और के साथ ही हादसे पेश ना आए? शासन प्रशासन से बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द ये जो कल्प्रिट्स हैं, स्पेशली चित्रा चतुर्वेदी और अभय झा, जो पिछले 1 साल से कंप्लेंट लिखित में गई हुई है इनके पास, लेकिन उन्होंने लिफ्ट की तरफ मुड़ के नहीं देखा, इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो।